आरएलपी पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी सत्ता संकल्प यात्रा के साथ डिडवाना पहुंचे। इस मौके पर हजारों की संख्या में बेनीवाल के समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान मिर्धा स्टेडियम में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया और जनता से दोनों पार्टियों से बचकर रहने का आह्वान किया। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमले करते हुए कहा कि मैं किसानों और जवानों के मुद्दे पर दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं। बेनीवाल ने जनता को फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और किसानों की सरकार को आरएलपी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य बताया, जिसके लिए उन्होंने जनता से आरएलपी के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील की। अभी आज कुटामण के अंदर हम जा रहे हैं और कल से सीकर के अंदर जाएंगे। जिस तरह नौजवान किसान, सर्व समाज, अल्पसंख्यक और दलित जिस तरह हमारे साथ आ रहा है, जिस तरह समर्थन दे रहा है, जिस तरह किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह मातृशक्ति का आशीर्वाद, उससे देख के लग रहा है इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा होगा। राजस्थान की नौजवानों ने तय कर लिया कि कांग्रेस भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को राजस्थान को भगाओ और आरएलपी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जल्दी हम एक सूची भी राजस्थान के अंदर जारी करेंगे।